तो जी हम जा रहे हैं नाइट आउट के लिए, कुछ खाएंगे पिएंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। उधर चल रही है फोन पे बात, और उनकी फोन पे बात होते ही हम जाएंगे बाहर। चले चल रहे चल रहे। ये चलो नाइट आउट के लिए। हो चलो गई आपकी बात, चले। बिल्कुल चलो, रेडी टू रॉक। सर चप्पल वाली, चप्पल वाली सर, चप्पल रूम वाली पहने, चेंज करने के लिए गए। मैं यहाँ कर रही हूँ वेट। ओ अभी गए, यू आर सुपर फास्ट। वेज मिलता है या नहीं मिलता, इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, बट लेट्स सी। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि आज इनका कोई फेस्टिवल है, होली जैसा कोई फेस्टिवल। नाम तो हम भूल गए क्योंकि थोड़े अलग नाम होते हैं ना इनके, तो याद नहीं रहा। देखो कितनी ज़्यादा लाइटिंग है और आज आप भीड़ देख सकते हैं। हाँ क्राउड थोड़ा रोज से थोड़ा ज़्यादा है, बाकी वाइब तो ऐसी ही होती है हमेशा, लाइटिंग वगैरह। देयर इज अ चेंज इन प्लान। पहले मैं सोच रहा हूँ चलते हैं पहले नपतारा बीच, क्योंकि वो रात हो जाएगी तो बंद हो जाएगा, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे। अच्छा तो नपतारा बीच। हाँ नपतारा बीच। यहाँ पे मैकडोनल्ड है लेकिन उसमें सिर्फ बीफ मिलेगा, आलू टिक्की नहीं मिलने वाली, वेज कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत भीड़ है भाई। आ गए हम आवनांग बीच, पीछे की तरफ है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है ना, वो आवनांग बीच है। फुल लाइटिंग देखो आप, अपने दीपावली पे जैसी होती है ना जगमगाट, वैसे इनके रोज रहती है। जय वीरू वाली गाड़ी ये भी इनके रोज रहती है ना। नाइट लाइफ ज्यादा चलती है, दिन में तो कम लोग निकलते हैं बाहर, रात को रेस्टोरेंट और वो क्या होती है जहाँ पे पीते पीते, हाँ बार, ये ज्यादा चलते हैं। ये शंख जैसा कुछ है, शंख ही है। जगह ढूंढो और पार्क लगा दो। ये मिल गई। वाव ये वाली लाइटिंग देखो आप, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आवनांग बीट फेस्टिवल, चलो। यहाँ पे आज पार्टी, इधर सारे स्टॉल लगे हुए हैं, उधर म्यूजिक बज रहा है, बहुत बड़ी LED स्क्रीन है, और इधर सारे, उधर आगे भी। तो हम भी वेज फूड ढूंढ रहे हैं, वैसे तो मुश्किल है वेजिटेबल्स है लेकिन अपने टाइप का लग नहीं रहा देख करके, तो स्टॉल से ना वहाँ पे चेक करते हैं। नॉन वेज है यहाँ पे तो सुबह जैसा नहीं हो जाए, बाकी सब ठीक है। नहीं तो ऐसे मिलेगा जैसे रखा हुआ है प्लेट, पूछ लो इनसे, इसके साथ में चाहिए पूरा पूछ ना, उसमें कोर के आलू नहीं था, ये सिर्फ सलाद है। सलाद खा के इतनी भी डाइटिंग नहीं करनी, सुबह भी सिर्फ सलाद खाया था। बड़ा है ये फेस्टिवल तो, मतलब कितनी कितनी जगह में बना हुआ है ना ये। इधर कपड़ों का भी है स्टेशन, मेरा मीठा कम खाने का मन, मेरे को कुछ नमकीन चरका सा चाहिए स्वाद में। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, मैग्नेट वाले हैं। गिर गया, हाँ यहाँ से गिर गया, अपने आप टूट गया। देखो क्या ही पता चलेगा कि यहाँ से टूट के मैंने यहाँ रख दिया।
एक्सेसरीज मिलेगी तो लेती हूँ, पहले ढूंढती हूँ। ये वाले इयर रिंग अच्छे लगे, पूछते हैं कितने बात का है। कैसी डिजाइन है? लेमन, तरबूज, संतरा, बड़ा नींबू, नींबू नींबू के ये वाला स्लाइस किया ऐसे और इसको ऐसे। मैंने खुद से चूज कर लिया एक, आप मेरे चूज करो अच्छे से। मैं चूज करूँ? हाँ, ये सब काम करने पड़ेंगे अब। हाँ। लड़कियों के लिए इयर रिंग ढूंढने पड़ेंगे। अरे यार, अरे आप भी मेरी तरह कैसे तोड़ा फोड़ी घंटे लगे हो। ये तो काले हैं। अरे यार ये अच्छे लग रहे हैं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मार्क वाले समुद्री कोई जीव है उनको खा जाते हैं, वेजी वाला रोल लेंगे हम लोग क्योंकि ये दिख रहा है सिर्फ वेज में। ये और एक ये ठीक है, मेक इट स्पाइसी। 10 मिनट कितना ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है। चीज है ना, चीज हाँ अच्छा लग रहा है। अब खाएंगे आइसक्रीम, चलो। दिस वन एंड दिस वन, खरबूजे में आइसक्रीम। ये हमारा बन रहा है ब्लूबेरी और क्रीम। कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। कैसी है? हाउ इज इट? ये ज्यादा टेस्टी है, ये दिखने में ज्यादा टेस्टी है, ये दिखने में अच्छी है। हाँ। ओके, अब हम आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, बाय बाय। म्यूजिक धीरे धीरे भाई, ये बोल रही हूँ यहाँ पे कोई तो कॉन्सर्ट चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आइसक्रीम, लाइटिंग, कॉन्सर्ट, म्यूजिक, फुल फन। उधर चल रहा है कॉन्सर्ट, इधर है नवतारा बीच। हाँ, रात को ही पानी के अंदर घुस रखे हैं काफी लोग, तो में अपने वाले गाने चलते तो फाड़ देते, आग लगा देते। मजा आ जाता फिर तो।
पर नहीं चल रहे, ये अपने चलाएंगे भाई। फेस्टिवल है तो लोग बीच में अपना एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना लेके आए हैं, छठी पार्टी इधर भी है। पिकनिक? नो नो, आई एम वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन। इंडिया? नो नो नो। ये यहाँ की होली? नो, ये अपन को गीला करेंगे यार। ओ, ठंडा ठंडा पानी है। यहाँ से एंट्री है तो यहाँ पे पास लेके फिर अंदर जा सकते हैं, और हम ना उस तरफ से गए और जाके और आ भी गए, गेट में जाके आ गए। कवरेज दिखाएंगे आपको। हाँ। स्कूटियों की लाइन है, मैं इधर चेक कर रही हूँ और वो उधर चेक कर रहे हैं। मिल गए उस तरफ यार। वापस चलते हैं अपने आशियाने में। पहले देखेंगे कहीं पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं पहले, वरना फिर कल फिर से लेट हो जाएंगे, हो सकता है वेज मिले ही नहीं। आगे एक रेस्टोरेंट पे सर की डिमांड पे पिज़्ज़ा खाने, पता नहीं पिज़्ज़ा मिलेगा कि नहीं, लेकिन इस पे लिखा हुआ तो है वेगन फूड। सूप टोमेटो चलेगा या मान जाओ? टोमेटो तो नहीं मिलेगा, वेज सूप मिलेगा। वेज सूप पता नहीं यार, फीका फीका नहीं पकड़ा दे, बाकी सब ठीक है। ये रेस्टोरेंट रूफ टॉप पे है, नीचे भी था, हम ऊपर ऊपर वाली साइड आए हैं। इस तरफ बीच है और इधर रेस्टोरेंट। सी द ब्यूटीफुल व्यू, चिकन श्रिम्प स्क्वीड बीफ सी फूड चिकन, जिसके आगे देखो चिकन 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 चिकन। साहब इंडियन भी है और थाई भी है। हमने तो एक ऑर्डर करा था, दो आ गई, दो कौन खाएगा, इतनी तो जगह ही नहीं है। में से शेयर करके खाने वाले थे, और एक पिज्ज़ा और कुछ कोई शेक आने वाला था, लेकिन पैड थाई दो आ गई हमारे पास, तो इंडियन भाई ने हमारे लिए ये एक पैड थाई फ्री कर दिया, बोला कि फ्री फॉर यू, फ्री फॉर यू। चॉकलेट शेक इतना लंबा, पिज़्ज़ा इतना बड़ा, और पेड़ थाई दो। हमारे इंडियन भाई ने तो कमाल ही कर दिया, इतना सब कुछ, मेहमान नवाजी। पिज़्ज़ा क्रिस्पी एंड यमी, हमें लगा था कि पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें दो दो पेड़ थाई मिल गई, एक फ्री 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 फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और हमें इंडियन को मुफ्त चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अरे कौन सा अच्छा था, लेमन जूस का शेक था? फ्रूट्स की वैरायटी देखिए यहाँ पे, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये पैशन फ्रूट है, और ये एवोकाडो है ग्रीन वन, ये अभी पका हुआ नहीं है, कल तक पकेगा ये। और ये तो है ही है ड्रैगन फ्रूट। कितना सारा खाना खा लिया, अब लेमन जूस। आया मजा बहुत। अरबी कहनी थी मेरे को खाना नहीं है, अब बढ़िया चीज मिलती है, आदमी अरबी खाने लग जाता है, और पहले मेरे को कह रहे थे कुछ नहीं खाना। अरे तो जबरदस्त।
पेट में जाएगा हमें, बच जाएगा। अभी यहाँ पे इन लेडी से लेमन जूस बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं, तो मैं इंडिया में चल के सिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ऐसे लेमन तो नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी देखो कैसा बन पाता है। तो जी आज का खूबसूरत सा दिन स्पेंड करके मैं चली सोने, मिलती हूँ कल एक उम्दा व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।